बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी खटाई में पड़ गई। उनके खिलाफ एक ऐसा कदम उठा लिया गया है कि मे बी वो अब पाकिस्तान ना आ सके। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने कप्तान के खिलाफ बड़ा यू टर्न लेते हुए बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए और इसके साथ ही लंगर खाने बंद करके गरीबों की बददुआएं लेने का भी ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भिखारी हुकूमत ने भिखारियों वाले काम शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो खजानों के मुंह खोलकर सहाफियों के मुंह भरे जा रहे हैं जो कि अरसा दराज से खुशकी का शिकार थे, अब उनको कौमी खजाने से नमक हलाल करने की कीमत अदा की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब बेशुमार वो लोग जिनको सरकारी लंगर खाने से तीन टाइम खाना मिलता था, अब उनका खाना बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ ने गरीबों के पेट पर लात मारते हुए ऐलान किया है कि कौमी खजाने में बजट इशू की वजह से लंगर खानों को जारी रखना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल पर गरीबों की जानिब से रद्दअमल देते हुए कहा जा रहा है कि एक तरफ महंगाई जान निकाल रही है, जब से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना है उसके बाद से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो गया है और अब पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसे में सरकारी लंगर खाना बेशुमार खानदानों का आसरा था जहां से वो तीन वक्त की रोटी खा लेते थे और भूखा कोई नहीं सोता था। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने लंगर खाने बंद करने का फैसला कर लिया है। इस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आई है। पहले तो शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना से एक हार लिबर्टी मार्केट में एक जूलर को 18 करोड़ में सेल किया और ये भी कहा गया कि जुल्फी बुखारी ने वो हार बेचा है। अब उसके बाद जब हकायक सामने और जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अगर ये इल्जाम साबित ना हुए तो आपके खिलाफ हद के इज्जत का दावा किया जाएगा, तो उसके बाद बड़ा यू टर्न लेते हुए अब एक और इल्जाम लगाया गया है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर तोशा खाना के करोड़ों की घड़ी, हार और अंगूठी बेचने का इल्जाम आयद कर दिया है। शहबाज शरीफ और तो कोई इल्जाम आयद ना कर सके, कौमी खजाना और अवाम के पैसे लूटने के हवाले से तो इल्जाम ना लगाया जा सका, अब तोशा खाना के तहाइफ को बेचने के हवाले से इल्जाम लगाकर इमरान खान को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने अब इल्जाम लगाया है कि इमरान खान को 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी मिली, वो दुबई में बेच दी गई और इमरान खान ने एक हार और अंगूठी भी बेचा है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ को जब डॉक्टर इजाजत देंगे वो वापस आएंगे। फवाद चौधरी ने मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ के इल्जाम पर रद्दअमल देते हुए कहा कि घड़ी पर शहबाज शरीफ को एतराज क्या है, घड़ी मेरी है, बेच दूं तो उन्हें क्या मसला है। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इल्जाम कैसे लगाना है। इमरान खान पर कीचड़ उछालने से ये खुद गंदे हो रहे हैं और इमरान खान तक कीचड़ पहुँच नहीं रहा, उल्टा ये खुद ही काले हो रहे हैं। दोस्तों, तोशा खाना कवानीन के मुताबिक उन तहाइफ पर पहला हक उसी का होता है जिसको ये तोहफा मिला होता है। अगर वो उसे नहीं लेते तो फिर सरकारी मुलाजमीन और फौज के एहलकारों के लिए नीलामी की जाती है और अगर इस नीलामी में जो शिया बच जाएं तो उन्हें आम आवाम के लिए नीलामी में रख दिया जाता है। जो भी फौजी या सरकारी मुलाजिम ये बेशकीमत अशिया को खरीदते हैं उन्हें अपने जराए आमदन डिक्लेयर करने के साथ साथ उस पर लागू टैक्स भी अदा करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक गुज़िश्ता हुकूमत में यही वज़ीर आज़म जो कि पंजाब के वज़ीर आला थे, इनसे जब तोशा खाना के हवाले से मालूमात मांगी गई तो इन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया और बरहमी का इजहार भी किया, ताहम तोशा खाना की मुकम्मल तफसीलात उनको देनी ही पड़ी। दोस्तों, हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी वजीर या तर्जुमान ने इस पर तबसरा नहीं किया कि आखिर तहाइफ की नीलामी की तफसीलात फराहम करने से कौन से मुफादात पर ज़र्ब लग सकती है। लेकिन दोस्तों, अब वही शहबाज शरीफ तोशा खाना के मामलों को दोबारा से उठा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इन तमाम मामलों के अंदर उनके बड़े भाईजान और उनके पार्टनर आसिफ जरदारी भी आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब बड़े मियां साहब के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है क्योंकि नवाज शरीफ को आउट ऑफ द वे जाकर डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी किया गया और अब पाकिस्तानी अदालतें जो कि शरीफ खानदान को रिलीफ देने के लिए तो अदालतें रातों को भी लगा लेती हैं, अब उनके इम्तिहान का वक्त शुरू हुआ चाहता है। मुस्लिम लीग नून के लंदन में मुकीम कायद नवाज शरीफ को डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अथर मिनल्ला पीर के रोज समाअत करेंगे, जिसमें नवाज शरीफ वफाक पाकिस्तान सेक्रेटरी दाखिला और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस्लामाबाद पुलिस और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि मालूम हुआ है कि एक मुजरिम और अदालती मफरूर शख्स नवाज शरीफ को डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी किया गया है और ये खबरें मीडिया में शाया भी हुई हैं।
दरख्वास्त गुजार ने मौकफ इख्तियार किया कि मुजरिम नवाज शरीफ एक अदालती मफरूर है जिसे एहतसाब अदालत ने करप्शन पर मुजरिम करार दिया था और अदालत ने उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर उन्हें डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी किया जाता तो ये कौम की तौहीन, निजाम इंसाफ का मजाक और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। दरख्वास्त गुजार ने सदा की कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम है, उन्हें डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए। साथ ही ये सदा भी की गई कि पुलिस को मुजरिम नवाज शरीफ के वतन वापस पहुंचने पर गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने की हदायत की जाए। दोस्तों ख्याल रखें, बीमारी का बहाना बनाकर नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बाद इलाज के गर्ज से नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए लंदन गया था। नवाज शरीफ को उनकी रवानगी से कबल अल अजीजिया करप्शन रेफरेंस में कोर्ट लखपत जेल लाहौर में 7 साल की कैद सुनाई गई थी। उनके जाने से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि वो 4 हफ्तों या उसके डॉक्टर की जानिब से उनकी सेहतियाबी की तस्दीक के बाद वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। गुज़िश्ता साल अगस्त में नवाज शरीफ ने बरतानवी महकमा दाखिला की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर उनके मुल्क में क्याम को तौसीफ देने से इनकार पर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दी थी। जब तक ट्रिब्यूनल नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर अपना फैसला नहीं देता, नवाज शरीफ बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम रह सकते हैं और उनका पासपोर्ट फरवरी 2021 में एक्सपायर हो गया था। तो दोस्तों अब अदालत की जानिब से पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत का नोटिस क्या शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा? क्या शहबाज शरीफ से बाजपुरस की जाएगी कि उन्होंने किस बेस पर पाकिस्तान के मुजरिम को डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी करने का कहा था? तो दोस्तों अमीर और गरीब के कानून में जमीन आसमान का फर्क है। गरीब इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों के धक्के खाता रहता है और शायद और उसके मरने के बाद डिक्लेयर होता है कि वो मुजरिम नहीं था और यूं वो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काट देता है। लेकिन जब अमीरों को इंसाफ देना होता है तो डॉलरों की छनाछन उन्हें रात को सोने नहीं देती और उसका नतीजा क्या निकलता है कि रातों को अदालतें लगती हैं और उन्हें इंसाफ फराहम कर दिया जाता है, और इंसाफ भी वो जो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। दोस्तों बज़ाहिर अभी नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं, ऐसे में नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं, ताहम पाकिस्तान वापस पहुँचने पर उन्हें जेल जाना होगा क्योंकि वो जेल से ही बाहर गए थे। लेकिन दोस्तों ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि छोटा भाई वजीर आजम हो और बड़ा भाई जेल चला जाए? ये तो भाई है, इनके हवारियों की जानिब से जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपने इसका मुजाहरा लाहौर की सड़कों पे देखा कि जब पाकिस्तान आर्मी के हाजिर सर्विस मेजर को लोहे के राड मार मार कर जख्मी कर दिया गया, उनका बाजू तोड़ दिया गया और वो कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा साद रफीक की फैमिली थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये ताकत का नशा उनके दिमागों को चढ़ चुका है और वो किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि अदालत की जानिब से इस हवाले से क्या फैसला दिया जाता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।